पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए बेस्ट टेबलेट कौन सी होती है, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए और इसके बाद कब हमारे पीरियड आ जाते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। कई बार फीमेल्स की पीरियड नहीं आ रही होती है, कोई भी प्रॉब्लम उनको हो सकती है हार्मोनल इश्यूज के वजह से, कई बार इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है उस वजह से पीरियड नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको एक बेस्ट मेडिसिन चाहिए होती है जिससे कि उनको साइड इफेक्ट भी ना हो और उनके पीरियड भी जल्दी आ जाए। तो मैं आज आपको टैबलेट के बारे में बताऊंगी और डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी और सही जानकारी इस वीडियो से मिल सके। तो देखिए, पीरियड ना आने के कई ऐसे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपको प्रेगनेंसी लग गई है। अगर आप रिलेशन आपने बनाया है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहेगा और वहाँ पे अगर वो पॉजिटिव आता है तो मतलब आपको प्रेगनेंसी है, और निगेटिव आता है तो आप इस टेबलेट का उपयोग कर सकती हैं, है ना। पॉजिटिव आता है उसके बाद आपको दूसरा ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, आपको इन टेबलेट्स का जो मैं बताऊंगी उनका सेवन नहीं करना होता है। आज हम केवल बात करेंगे अगर आपके हॉर्मोनल इश्यूज के वजह से पीरियड नहीं आ रहे हैं या फिर एनवायरमेंट चेंज हो गया है, इस कारण आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, तो आपको जरूर इन टैबलेट का उपयोग करके अपने पीरियड्स को जल्दी आप ला सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपने रिलेशन बनाया है तो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब तो प्रेगनेंसी लग गई है। प्रेगनेंसी लगने के बाद इन टैबलेट्स का उपयोग नहीं किया जाता है ना, क्योंकि ये काम नहीं करने वाली अगर आप प्रेगनेंसी लगने के बाद इन टैबलेट्स का उपयोग करते हैं तो। दूसरा कारण होता है पीरियड डिले होने का या फिर ना आने का, कि अगर आपने आईपिल या फिर अनवांटेड 72 ली है तो वो काफ़ी हाई डोज होती है, उस वजह से भी आपको पीरियड नहीं आ सकते हैं। तो आपको उस वजह से आपने पीरियड नहीं आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये टेबलेट काम नहीं करती हैं। तो दूसरा, अगर आपको कोई भी हॉर्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे आपको हॉर्मोनल चेंजेस के वजह से या फिर काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा एकदम से वेट आपने लॉस किया हुआ है, काफ़ी हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, अलग जगह पे आप शिफ्ट हो गए हैं, या फिर नाइट ड्यूटी आपकी हो गई है, काफ़ी हैवी ड्यूटी आपकी हो गई है ना, ज़्यादा काम आपके लिए बढ़ गया है, तो इस वजह से आपको ये समस्या हो सकती है, हॉर्मोनल इश्यूज की समस्या हो सकती है। तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए सबसे पहला तो। दूसरा, आपने आईपिल और अनवांटेड 72 नहीं ली हुई होनी चाहिए, उसके लिए अदर हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेबलेट्स का। तो आपको रेजिस्ट्रॉन 5 mg आपको लेनी है, एक टेबलेट आपको सुबह खानी है, एक टेबलेट शाम को खानी है, खाना खाने के बाद, यानी कि दिन में आपको 2 टेबलेट 5 दिन तक खानी है ना। 10 टेबलेट आपको ले लेनी है, नज़दीकी किसी भी फार्मेसी से ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगी, और सुबह शाम खा लीजिए। खाना खाने के बाद खाली पेट में खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, तो इसलिए खाना खाने के बाद लीजिए तो आपको वॉमिटिंग की समस्या नहीं होगी। और आपके जब टैबलेट ख़त्म हो जाएंगी तो 2 से 3 दिन के बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। जैसे 5 दिन तक आपने टैबलेट ली सुबह शाम, उसके बाद 2 से 3 दिन में जब आप बंद करेंगी टैबलेट लेना तो आपके पीरियड आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पीरियड आ जाते हैं, तो आपको इसके साथ टेंशन नहीं लेना है। कई बार स्ट्रेस महिलाएं ले लेती हैं तो उस कारण आपके हार्मोन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री होकर इन टैबलेट को लीजिए। और साथ ही गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, जैसे हल्दी वाला दूध हो गया, अजवाइन की चाय हो गई और जीरा पानी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, गर्म तासीर वाली पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, तो ये चीज़ें लेंगे तो आपके पीरियड जल्द से जल्द आएंगे। काढ़ा बना के आप ले सकते हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं होम रेमेडीज, तो वो लेंगे तो आपके पीरियड जल्द से जल्द आ जाएंगे। जल्दी पीरियड लाने के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, साथ में आपने आईपिल या फिर अनवांटेड 72 नहीं ली हुई होनी चाहिए, क्योंकि आईपिल और अनवांटेड 72 जब आप लेते हैं तो काफ़ी हाई डोज होती है, उसके बाद आपके जब आप लेती हैं उससे लेके 5 से 6 हफ्ते में आपके पीरियड आते हैं, काफ़ी लेट लेट भी आपके पीरियड आते हैं ना, कई महिलाओं के तो 8-8 हफ्ते में भी पीरियड आते हैं, तो उसके लिए तो आपको वेट करना होगा या फिर अदर ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये मेडिसिन सिर्फ आपके जो हार्मोनल इश्यूज हैं, यानी कि जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, स्ट्रेस के वजह से पीरियड नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको वजन काफ़ी ज़्यादा घट गया है
है ना, कोई और प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए ये टैबलेट ली जाती है। लेकिन आपके जो इस तरह की समस्या है, जैसे प्रेगनेंसी लग गई है, उसमें भी आपको नहीं लेना होता है, तो उसमें आपको एबॉर्शन किट लेना होता है, वो अलग बात हो गई, उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो आप देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।